हेलो दोस्तों, आई एम गौरव चौहान। तो स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल पे। आज की जो वीडियो है, रेस ओनवर्ड ऑनऑल स्कॉर्पियो वर्सेस फॉर्चुनर 2017 मॉडल 2015 मॉडल। हालांकि ये भी डिसकंटिन्यू हो गई है, ये भी डिसकंटिन्यू हो गई है। अब तो स्कॉर्पियो क्लासिक जो है वो S11 है, ये S10 है। और भाई इंजन की बात करें तो 2200cc है, ये 300 है ये, हाँ। और जो इंजन पावर प्रोड्यूस करते हैं वो इसमें है 120 bhp और 280 nm टॉर्क। और वहीं इसकी बात करें फॉर्चुनर की तो इसमें 169 bhp और 350 nm टॉर्क। तो भाई मुझे तो लग रहा है फॉर्चुनर ही जीतेगी। ये ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है, भाई मेरे को तो लग रहा है यही जीतेगी, क्योंकि जो bhp है उसमें बहुत फ़र्क है, टॉर्क में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हालांकि वेट में भी थोड़ी ज़्यादा है, पर इतना नहीं कि हार जाए, भाई यही जीतेगी जान जितना मुझे लग रहा है। और वीडियो में बने रहे, मज़ा आएगा, देखते हैं क्या होता है, कुछ हो सकता है वीडियो में, ड्राइवर का बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं ड्राइव कर रहा हूँ अपने स्कॉर्पियो, भाई अपने जो प्रवीण भाई है वो फॉर्चुनर ड्राइव कर रहे हैं। इसमें ना कोई ट्रैक्शन है, ना कोई मोड है, कुछ नहीं है, सिंपल है अपनी। तो AC ऑन फर्स्ट राउंड में, बेल्ट लगा लेते हैं, उसका भी AC ऑन है, उसमें ट्रैक्शन है, उसको ट्रैक्शन करवा देते हैं ऑफ। AC ऑन फर्स्ट राउंड में और ट्रैक्शन ऑफ कर लो। ट्रैक्शन ऑफ है, AC ऑन कर लेना, 4x2 में है, ठीक है, करेक्ट, वही जीतेगी भाई। पर मैं हालांकि अपने को जिताने की फुल कोशिश करूंगा। 1 2 3 साथ साथ है भाई, अब निकल रही है, 80 पे क्रॉस करी है, 80 पे क्रॉस करके गई है भाई, ज्यादा क्रॉस नहीं किया, कोई गैप नहीं बनाया है भाई, साथ साथ सी थी बस, वो जीत गई है, इतना कोई गैप नहीं था भाई, बहुत बढ़िया। सेकंड राउंड करते हैं, अगर AC एडवांटेज मिल जाती है AC ऑफ की तो शायद जीत जाएगी भाई। 80 पे आई थी साथ, क्रॉस तो ज्यादा करा नहीं, 100 तक थोड़ा सा गैप था, कुछ गैप भी नहीं बना है, फिर भी भाई वो विनर है। तो भाई सही नाउ स्टार्ट कर रहे हैं, AC कर लेते हैं ऑफ, AC ऑफ है। और भाई मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, देखो बूंद सी भी आ रही है, धूप भी निकल रही, बूंद भी आ रही है, वाह। तो करते हैं सेकंड राउंड भाई, AC ऑफ कर लेना सेकंड राउंड में, AC ऑफ कर ली सेकंड राउंड में, हाँ। भाई साथ साथ इस बार जल्दी AC ऑफ करने का फायदा पड़ गया है। वही 80 पे क्रॉस करी है, ज्यादा कोई नहीं है, इस बार भी गैप ऐसा नहीं बन रहा है भाई, लास्ट में आके 110 पे गैप बना है। तो अब एक काम करते हैं, स्कॉर्पियो को एडवांटेज देते हैं इस राउंड में, इस मोस का ऑन रखेंगे इसे, इसका ऑफ कर लेते हैं। हाँ। तो अब थर्ड राउंड में हम AC ऑफ कर लेते हैं, एडवांटेज ले लेते हैं भाई, AC ऑन कर लो आप, एडवांटेज दे दो, ठीक है। 1 2 3 साथ 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 साथ, ओ भाई स्कॉर्पियो जाते हुए एडवांटेज का फायदा, बस भाई बराबर है, दोनों बराबर है, एडवांटेज का भाई बहुत फायदा पड़ा, दोनों बराबर है। तो भाई लास्ट राउंड है अपना, AC ऑफ है, उसका AC ऑन है, ट्रैक्शन भी ऑन है,
तो फुल एडवांटेज है। अब देखते हैं इस राउंड में क्या होता है, अब करते स्टार्ट। बैक गियर लगा रहा हूं। ये था भाई, ये गाइस रिवर्स गियर लगा रहे हैं। ट्रैक्शन की वजह से कितना फर्क पड़ गया भाई? बहुत फर्क पड़ गया। ट्रैक्शन ऑन है एडवांटेज से और गैप बन रहा है भाई, गैप बन रहा है भाई। ब्रेक ले लेते हैं। फोर्थ राउंड में अपनी स्कोर पे जीत गई है। ये खुशी। तो भाई अपनी स्कोर पे विनर है फोर्थ राउंड में। एसी चला लिया भाई, अब हमें गर्मी लग गई। तो भाई जैसा आपने देखा, चार राउंड करे, फर्स्ट के दो राउंड में अपनी फॉर्चुनर विनर थी, पर कोई ज़्यादा गैप नहीं था फर्स्ट दो राउंड में। नॉर्मली गैप था, बस नेक टू नेक था, कोई ज़्यादा गैप नहीं था। और जो अपना थर्ड राउंड हुआ, थर्ड राउंड में एडवांटेज थी अपना, एसी ऑफ था, इसका ऑन था। उसमें बाइक कति कट टू कट थी, कति नेक टू नेक एकदम इक्वल, तो उसमें वो ड्रॉ था, कोई विनर नहीं थी थर्ड राउंड में। और फोर्थ राउंड में भाई इसका ट्रैक्शन ऑन था, एसी भी ऑन था, इसका एसी ऑफ था, फुल एडवांटेज थी उसमें भाई, स्कॉर्पियो जीत गई है। तो भाई एडवांटेज का फ़ायदा उठाते हुए जीत गई, गैप भी बन गया था, बहुत बढ़िया गैप बन गया था। तो भाई आज की वीडियो यही है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें। बाय गाइज़।